subscribe to my channel and also press this bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग कुछ स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें पहला हमारा आता है हाइब्रिड, जिसे अपने हिंदी में हम संकर कहते हैं। दूसरा है मोनो हाइब्रिड, जिसे हम एकल संकरण कहते हैं। तीसरा है डाई हाइब्रिड, जिसे हम द्वि संकरण कहते हैं। फिर इसके बाद बाई क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, सब पर थोड़ी थोड़ी देर बात हम करेंगे। तो सबसे पहला जो हमें आज बात करनी है वो है संकर। आखिर संकर होता क्या है? जब किसी दो प्रजाति का, किसी दो वैरायटी का हम आपस में क्रॉस कराते हैं, तो उससे जो हमें संतान मिलती है, उससे जो हमें जनरेशन मिलती है, F1 जनरेशन मिलती है, उसे ही हम हाइब्रिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सामने बोर्ड पर मटर के पौधे दिख रहे हैं। एक का पुष्प लाल है, एक लाल पुष्प वाला है और दूसरा सफ़ेद पुष्प वाला। इन दोनों का जब हम आपस में क्रॉस कराएंगे, इन दोनों का हम जब आपस में क्रॉस कराएंगे, इससे जो हमें संतान मिलेगी, F1 जनरेशन मिलेगी, ऑफ स्प्रिंग मिलेगी, वो कैसी होगी? हाइब्रिड। इसे ही हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड की तरफ। मोनो हाइब्रिड क्या होता है? जब किसी प्रजाति का, जब किसी वैरायटी का किसी एक लक्षण के लिए, किसी एक करेक्टर के लिए जब हम क्रॉस कराते हैं, उसे ही हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड, एकल संकरण। जब किसी एक लक्षण के लिए हम किसी का आपस में क्रॉस कराते हैं, उसे ही कहते हैं मोनो हाइब्रिड, यानी एकल संकरण। फॉर एग्जांपल देखिए, वही एग्जांपल है, हमारे पास दो मटर के पौधे हैं, एक में लाल पुष्प है, एक में सफ़ेद। हम पुष्प के रंग के लिए आपस में क्रॉस करा सकते हैं, तने की लंबाई, स्टेम की हाइट के लिए हम आपस में क्रॉस करा सकते हैं, फली के आकार के लिए हम आपस में क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी सिर्फ और सिर्फ एक लक्षण के लिए क्रॉस कराते हैं, उसे ही हम अपने कहते हैं मोनो हाइब्रिड, एकल संकरण। फिर दूसरी बात हमारी आती है डाई हाइब्रिड। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक मटर का पौधा है, एक मटर का पौधा है, उसमें लाल पुष्प आते हैं, और एक हमारे पास पौधा है, उसमें सफ़ेद पुष्प आते हैं। ये एक चीज़ हो गया। और दूसरा इसका करैक्टर है कि जो ये लाल पुष्प वाला पौधा है, इसमें जो फली का आकार है, इसकी जो पॉड बनती है, ये फूली हुई होती है। और लेकिन जो वाइट पुष्प वाला पौधा है, इसके फली का जो आकार है, ये चिपका हुआ होता है, ये झुर्रीदार होती हैं, जिसे हम रिंकल्ड बोलते हैं। दूसरे पौधे की जो फली हैं, ये रिंकल्ड होती हैं। अब हम फ्लावर के लिए और फली के आकार के लिए जब दो करेक्टर का आपस में क्रॉस कराते हैं, जब दो करेक्टर को लेकर किसी वैरायटी का आपस में क्रॉस कराते हैं, तो उसे ही हम अपने बोलते हैं डाई हाइब्रिड, द्वि संकरण। इसकी परिभाषा यह होगी कि जब किसी भी प्रजाति का दो लक्षणों के लिए आपस में क्रॉस कराते हैं, तो उसे ही क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड, यानी कि द्वि संकरण। अब हमारे आते हैं बाई क्रॉस। अब हम अपने आ जाते हैं बाई क्रॉस पर। फ्रेंड, हम बात कर रहे थे बाई क्रॉस, जिसे हम संकर पूर्वज संकरण भी कहते हैं। बाई क्रॉस क्या होता है कि मान लीजिए हमने किसी दो चीज़ का आपस में क्रॉस कराया। मान लीजिए ये हमारे पास मटर का पौधा है, इसका आपस में क्रॉस कराया, इससे हमें जो जनरेशन मिली, जो ऑफ स्प्रिंग मिली, इसी ऑफ स्प्रिंग का हमने इनके पेरेंट के साथ क्रॉस करा दिया। जो हमारे पास ऑफ स्प्रिंग मिली, जो हमारे पास जनरेशन मिली, जो संतति मिली, इसी संतति का हमने उनके पेरेंट के साथ क्रॉस करा दिया। यही चीज़ हमारा होता है बाई क्रॉस। अब हम अगली टॉपिक पर आ जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टेस्ट क्रॉस, जिसे हम बोलते हैं परीक्षण संकरण। देखिए, अब टेस्ट क्रॉस का होता है। टेस्ट क्रॉस को समझने के लिए आपको एक चीज़ पहले जान लेना आवश्यक है। अगर आप ये चीज़ को नहीं जानते हैं, तो आपको टेस्ट क्रॉस समझ में नहीं आएगा। आपको डोमिनेंट और रिसेसिव, प्रभावी और अप्रभावी का कॉन्सेप्ट समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ नहीं समझते हैं, तो आपको टेस्ट क्रॉस समझ में नहीं आएगा। देखिए, प्रभावी अप्रभावी क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास दो पौधा है, पहला है रेड कलर का, दूसरा है वाइट कलर का। हमने इनका आपस में करा दिया क्रॉस।
हमने इनका आपस में क्रॉस कराया तो इससे जो हमें जनरेशन मिली, इससे जो हमें जनरेशन मिली ये जिस पेरेंट की तरह होगी, ये जिस पेरेंट की तरह होगी उसे ही डोमिनेंट बोलेंगे। अगर हम अपने परिभाषा की बात करें तो ऐसे लक्षण जो F1 जनरेशन में उत्पन्न होते हैं उन्हें ही प्रभावी यानी कि डोमिनेंट कहते हैं। देखिए मान लीजिए हमने एक रेड और एक वाइट का आपस में क्रॉस कराया तो हमें जो F1 जनरेशन मिल रही है वो रेड वाले पेरेंट की तरह मिल रही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि रेड वाला क्या है, प्रभावी है, और वाइट क्या हो जाएगा, अप्रभावी। वाइट अप्रभावी क्यों हुआ, रिसेसिव क्यों हुआ, क्योंकि इसके लक्षण F1 में नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो F1 है वो इसकी तरह नहीं है इसीलिए ये अप्रभावी है, और जो रेड वाला है ये प्रभावी है। क्यों, क्योंकि इसके लक्षण F1 में आ रहे हैं। देखिए ये दो चीज़ हमने आपको समझाई, डोमिनेंट और रिसेसिव की। इसकी परिभाषा अगर हम सिंपल दें तो ऐसे लक्षण जो F1 जनरेशन में उत्पन्न होते हैं उन्हें ही प्रभावी यानी कि डोमिनेंट कहते हैं, और ऐसे लक्षण जो F1 जनरेशन में नहीं उत्पन्न होते हैं उन्हें रिसेसिव यानी कि अप्रभावी कहते हैं। ये दो चीज़ जानने के बाद अब हमारे लिए टेस्ट क्रॉस समझना बिल्कुल आसान हो गया। जैसे F1 जनरेशन जो हमें मिली है इसका क्रॉस जब हम अप्रभावी जनक से करते हैं, इसका क्रॉस जब हम किससे करते हैं, अप्रभावी जनक से, ऐसा जनक जिसका कैरेक्टर F1 जनरेशन में नहीं उत्पन्न हुआ है, जब हम F1 जनरेशन का क्रॉस उसी अप्रभावी जनक यानी कि रिसेसिव पेरेंट से करते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, जब हमने दो पौधों का आपस में क्रॉस कराया जो हमें संतान मिली ऐसे पेरेंट से उसका क्रॉस कराया जिसके लक्षण उसके अंदर देखने को नहीं मिल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक लाल पुष्प और एक सफ़ेद पुष्प वाले का आपस में क्रॉस कराया, F1 में हमें एक लाल पुष्प वाला पौधा मिला, और हमने यही लाल पुष्प वाले पौधे को सफ़ेद पुष्प वाले पौधे यानी कि रिसेसिव पेरेंट से हमने क्रॉस करा दिया तो यही चीज़ हमारा क्या हो गया, टेस्ट क्रॉस। अब हम आगे आते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस को व्युत्क्रम संकरण या प्रजाति परिवर्तन संकरण भी कहते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस को प्रजाति परिवर्तन संकरण भी कहते हैं। इसको हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं देखिए किसी पौधे का क्रॉस कैसे करते हैं, देखिए एक हमारे पुष्प के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट उपस्थित होते हैं। ये हमारा फीमेल पार्ट होता है और ये हमारे मेल पार्ट होते हैं। अगर हमें किसी का क्रॉस कराना है तो हमें जिस चीज़ से क्रॉस कराना है हम इसके मेल पार्ट को निकाल देते हैं, हम इसके मेल पार्ट को निकाल देते हैं, जिस क्रिया को कहते हैं इमास्कुलेशन। किसी पुष्प से जब हम मेल पार्ट को निकाल देते हैं उसे कहते हैं इमास्कुलेशन। हम इमास्कुलेशन करके मेल पार्ट को निकाल देते हैं, फिर उस पर जो फीमेल पार्ट बचा हुआ होता है उस पर हम बैगिंग कर देते हैं। बैगिंग क्यों करते हैं कि कोई अदर दूसरी चीज़ से इसका फर्टिलाइजेशन ना हो। मान लीजिए मधुमक्खी है, कीड़े मकौड़े हैं, पॉलन ग्रेन अगर लेकर आते हैं या तो हवा के माध्यम से किसी भी माध्यम से अगर इसमें फर्टिलाइजेशन हो सकता है, इसीलिए हम इसको बैगिंग से ढक देते हैं, बैगिंग कर देते हैं। फिर हमें मान लीजिए जिस चीज़ से हमें क्रॉस करवाना है उसका पॉलन ग्रेन हम लेते हैं। मान लीजिए हमें इस वाले पौधे से क्रॉस कराना है, हमें इसका पॉलन ग्रेन लिया, इस पर छिड़क दिया, यही चीज़ हमारी क्या हो जाती है, क्रॉसिंग हो जाती है। इसी तरह हम पौधे में क्रॉस करते हैं। तो रेसिप्रोकल क्रॉस यानी कि प्रजाति परिवर्तन क्रॉस क्या होता है, इसको समझिए आप कि एक बार जिस पौधे को फीमेल के रूप में यूज करते हैं, एक बार जिस पौधे को नर के रूप में यूज़ करते हैं, दूसरी बार उस पौधे को मादा के रूप में यूज़ करते हैं, और फिर जब अगला क्रॉस कराते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर हमने इस वाले पौधे को मेल के रूप में रखा और इस वाले को फीमेल के रूप में, लेकिन जब हम अगला क्रॉस कराएंगे तो इसको मेल बना देंगे और इसको फीमेल बना देंगे। यही होता है हमारा प्रजाति परिवर्तन संकरण या तो रेसिप्रोकल क्रॉस जो अपने हिंदी में बोलते हैं, यही चीज़ होता है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।